नमस्कार साथियों, आज 29 फरवरी 2020 देखते हैं राजस्थान के प्रमुख शैक्षणिक समाचार। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर दबाएं। जी हां दोस्तों, राजस्थान एग्जाम पत्रिका की प्रमुख गाइड, आज की कुछ समसामयिक क्वेश्चन। आरपीएफ में 20,000 पदों पर बढ़ती, सोशल मीडिया पर विज्ञापन वायरल हुआ तो पता लगा पूरी प्रक्रिया ही फर्जी, जयपुर रेलवे। आरपीएफ में 20,000 पदों पर निकली भर्ती, रेलवे ने कहा फर्जी है विज्ञापन, झांसे में ना आए युवा। शिक्षा बोर्ड करेगा सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कृत, राज्य स्तर पर 3, जिला स्तर पर 66 और ब्लॉक स्तर पर 301 विद्यालय होंगे पुरस्कृत, अजमेर। लिपि ग्रेड द्वितीय परीक्षा, 9 अभ्यर्थियों की पात्रता बहाल, परिणाम जारी, अजमेर, राजस्थान लोक सेवा आयोग। लिपि ग्रेड द्वितीय पात्र के मेरिट क्रमांक जारी, अजमेर। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत परीक्षा, सफल अभ्यर्थियों की आरक्षित सूची जारी, अजमेर, राजस्थान लोक सेवा आयोग। एनएम भर्ती 2018 में आरक्षित वर्ग की महिलाओं को राहत मिली, जयपुर, राजस्थान हाई कोर्ट। एनएम भर्ती में जाति प्रमाण पत्र पेश करने का एक और मौका दिया, जयपुर, राजस्थान हाई कोर्ट। समय पर पहुंचे परीक्षा केंद्र, नहीं तो परीक्षा से होना पड़ सकता है वंचित, समय को लेकर CBSE हुआ सख्त, जोधपुर। स्कूलों में छात्र अनुपात में नियुक्त नहीं शिक्षक, जोधपुर। 33 सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एडमिशन आज से होंगे शुरू, दाखिले के लिए बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा, उदयपुर। आयोग के बाहर धरने पर बैठे आप पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 का है मामला, अजमेर। निषेधाज्ञा के बावजूद आप नेता ने RPSC में दिया धरना, बाद में पुलिस के थाने ले जाकर दी चेतावनी, अजमेर। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ, 5 से लेकर 12 मार्च तक जमा कराने होंगे फॉर्म, प्रवेश परीक्षा 28 को होगी, अजमेर। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर, कांस्टेबल भर्ती उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु विज्ञापन हुआ जारी। निदेशालय में गैर शैक्षिक पदों पर कार्यरत शिक्षकों को हटाने के लिए निर्देशक से मिले कार्मिक, बीकानेर। साहित्यकार भंवर सिंह सामोर, कवि श्रीकांग लोक साहित्य पुरस्कार से हुए सम्मानित, चूरू। पहले चरण में बच्ची 1119 पंचायतों में से 707 में चुनाव, 15 मार्च को जयपुर। NTAS 3 सवालों के लिए बोनस अंक, जयपुर, नेशनल टेस्टिंग सर्च एजेंसी। अब केंद्राध्यक्ष ही बोर्ड परीक्षा में रखेंगे मोबाइल, चित्तौड़गढ़। स्कूल के विज्ञान मेले में प्रयोग के दौरान ब्लास्ट, 6 स्टूडेंट घायल, 1 की आंख पर गंभीर चोट हुई, जोधपुर। MS PG की 539 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा मई महीने में होगी, चित्तौड़गढ़। आज कक्षा 2 से लेकर 7वीं तक के विद्यार्थियों की दक्षता परखने के लिए परीक्षा होगी, चित्तौड़गढ़। मई में CA, जून से शुरू हो जाएगी CS की परीक्षाएँ, चित्तौड़गढ़। अनुकंपा नियुक्ति में 16 को जिला आवंटित, चित्तौड़गढ़। 200 कॉलेजों के परीक्षार्थियों के पेपर में सिलेबस से बाहर के प्रश्न आए, 3 घंटे निकालना हुआ मुश्किल, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, अब MA फाइनल के पेपर में पूछे परिवेश के प्रश्न, पेपर देख छात्र और परीक्षक हैरान, परीक्षा ही रद्द हुई, उदयपुर। मेरिट सूची जारी, जल्द मिलेगी पोस्टिंग, अजमेर। छात्राओं से छेड़छाड़ का बनाया वीडियो, 3 शिक्षक निलंबित, प्रधानाचार्य APO श्रीगंगानगर। NIRF रैंकिंग में टॉप 10 का दावेदार है IIMU। IIT कानपुर में शुरू होगी नई रिसर्च एकेडमी, जयपुर। कार्यालय मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर, निरोगी राजस्थान अभियान, स्वास्थ्य मित्रों का चयन हेतु फ्रेश व्यक्ति जारी। मदरसा पैरा टीचर्स के पक्ष में मुस्लिम महासभा करेगी CM से बातचीत, बीकानेर। वैज्ञानिकों ने विद्यार्थियों संग मनाया विज्ञान दिवस, बीकानेर। बोर्ड परीक्षा के लिए निदेशालय में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया, बीकानेर। 373 स्कूलों को 50 लाख रुपए के मिलेंगे पुरस्कार, अजमेर। जयपुर, तरक्की के लिए इंजीनियरिंग फैकल्टी को अब करने होंगे ऑनलाइन कोर्सेज, जयपुर।
डेढ़ महीने से लिफाफों में बंद थे प्रत्याशियों के नामांकन, अब चुनाव 15 को 412 पंचायतों के चुनाव फिलहाल निरस्त जयपुर। सरकार भर्तियों की प्रक्रिया समय पर पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है, मंत्री शांति धारीवाल। लैब टेक्नीशियन कैडर में तकनीकी सहायक के पदों पर पदोन्नति, लैब टेक्नीशियन संघ ने जताया आभार, जयपुर। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, जयपुर। भारत को सही दिशा दे नौजवान, घटनाक्रम पर रखे मौलिक नजरिया, मुख्यमंत्री। 2 साल में डिप्लोमा के अभाव में विशेष शिक्षकों की सेवा समाप्ति पर रोक, जयपुर राजस्थान हाई कोर्ट। राज्य सरकार की अपील खारिज, आरयू में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर बने रहेंगे अभ्यर्थी, जयपुर। स्कूलों में विज्ञान और तकनीकी नवाचारों को मिलेगा प्रोत्साहन, राज्य स्तरीय विज्ञान कार्यशाला का शिक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन, जयपुर। विश्वविद्यालय के बाहर साल पहले विश्वविद्यालय में 12 साल पहले नियुक्त शिक्षकों की अनदेखी, जूनियर शिक्षकों के CS साक्षात्कार आज से। कार्मिक विभाग ने दिए निर्देश, 12 जिले में सीधी भर्तियों में आरक्षण प्रचलित रोस्टर के अनुसार ही रहेगा, जयपुर। ईरान के उपराष्ट्रपति कोरोना वायरस से संक्रमित, सरकारी स्कूलों में बच्चों को पिला रहे हैं घटिया दूध, BDO ने किया निरीक्षण। CBSE बोर्ड एग्जाम हेल्प डिस्क 2020 जारी, PSC ने निकाली इंस्पेक्टर पदों पर 17 वैकेंसी। प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि, आज का भविष्य फल। दोस्तों आज ये थे 29 फरवरी 2020 के प्रमुख शैक्षणिक समाचार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।